नमस्कार, आज मैं आपको संख्या पढ़ाने जा रही हूँ, कक्षा दूसरी। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं और हर चीज़ का एक नाम है। यह नाम ही सबकी पहचान है, जैसे ऊंट, मेज़, पार्क। ऊपर दिए गए चित्रों में है ऊंट, मेज़ और पार्क। यह सब नाम है। इस दुनिया में सभी का कोई ना कोई नाम है। नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, नाम भी कई तरह के होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम, किसान, राम, सैनिक आदि। ये सभी पेशों, लोगों के नाम हैं। इसी तरह अब हम कुछ वस्तुओं के नाम भी पढ़ते हैं, जैसे जूता, कंप्यूटर, गिलास। बच्चों, लोगों और वस्तुओं के नाम की तरह स्थानों के नाम भी होते हैं। दुकान, गांव, पाठशाला, ये सभी स्थानों के नाम हैं। आइए अब हम कुछ प्राणियों के नाम भी जान लेते हैं। मछली, जिराफ, मोर। इस तरह हमने जाना कि प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, पशु पक्षी, स्थान का अपना नाम होता है। नाम बताने वाले सभी शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। इनके अलावा भी कुछ नाम हैं जो संज्ञा कहलाते हैं। नदियों के नाम, यमुना, गोदावरी, गंगा। दिनों के नाम, रविवार, बुधवार, शनिवार। इमारतों के नाम, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार। महीनों के नाम, अगस्त, मई, जुलाई। आगे देखते हैं कार्यपत्रक। आपने संख्या में जो सीखा आप वो यहाँ भरेंगे। संख्या शब्द भरो। दो वस्तुओं के नाम, दो जानवरों के नाम बताओ, दो स्थानों के नाम, दो पक्षियों के नाम, दो व्यक्तियों के नाम। नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्द भरो। मेरा नाम, जो आपका नाम है वो आप यहाँ भरेंगे। मेरे विद्यालय का नाम, मैं कौन से शहर में रहता हूँ, मेरे घर में कौन कौन है, मेरा पालतू पशु कौन है। धन्यवाद।